नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स मंडे के लिए आपको क्या होने चाहिए। दोस्तों, आपके सामने अभी प्रस्तुत है डेली चार्ट, और डेली चार्ट को देखेंगे तो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है और यहाँ पे 35,810 का हाई बनाया था और उसके बाद लो बनाया है 35,176 का। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन आता है 35,125 से लेके 35,258 तक। तो इस जोन में यहाँ से रिवर्सल आपको बाउंस बैक देखने को मिला है और बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर पार होके 35,291 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को और आने वाले सप्ताह में। तो सबसे पहले बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये आपके सामने ये जो हाईएस्ट लेवल है था उसका था 35,810 का लेवल, और वहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेने का कोशिश किया, स्टेबल होने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ भी सस्टेन नहीं किया तो नीचे फॉल आया और यहाँ पे 35,176 के पास आके गिर के वापस से यहाँ पे रिवर्सल लिया है और अभी 35,300 के आसपास ये क्लोज में है। तो अभी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये पहला रेजिस्टेंस आता है 35,345 का, सेकंड जो रेजिस्टेंस आएगा 35,500। तो 35,500 के ऊपर अगर निकल गया तो हम लोगों को काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 35,700-600 के आसपास हम जाते हुए नज़र आएंगे। और डाउन साइड में 35,125 के नीचे ब्रेक होता है तभी हम डाउन साइड का सोचेंगे, अदरवाइज हम होल्ड करके पॉजिटिव साइड में ही सोचेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है और जैसा कि हमने अभी आपको डेली चार्ट दिखाया था तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है और ये देख सकते हैं ये बॉक्स में इतना इसका जो मोमेंट हुआ है काफ़ी टाइट रेंज में मोमेंट हुआ है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट आएगा और 36,000 से लेके 37,000 तक आने वाले सप्ताह में लेवल्स देख सकते हैं। 36,500 से लेके 37,000 तक आने वाले सप्ताह में हम लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर 35,125 सस्टेन हो गया तो दोस्तों, तो ये अब बात को ध्यान रखिए, शॉर्ट एनालिसिस ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में क्या नज़र आ रहा है तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा ये क्लोज हुआ है 35,300 के आसपास, सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो आ रहा है 35,000 पे। तो 35,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद सीधा 500 पॉइंट में है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट एडिशन भी हुई है तो 35,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे 34,500 है। यहाँ पे जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा 35,500। तो इमीडिएट जैसा हमने टेक्निकली कहा था कि 35,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो 35,500 अगर क्रॉस होता है तो सीधा हम जंप मार के 36,500 की तरफ मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये स्वीट एंड शॉर्ट एनालिसिस दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए, और चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।